एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कंगना रनावत का विवादों से पुराना नाता रहा है। कंगना कई मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी विचार रखती है, जिसके चलते अक्सर उन्हें लेकर कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर बॉलीवुड में नेपोटिज्म और यहाँ तक कि अपने पिछले रिश्तों तक पर कंगना खुलेआम बात करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कंगना के एक ऐसे ही विवाद के बारे में बताएंगे जो कथित तौर पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड रहे ऋतिक रोशन से जुड़ा है। कहते हैं कि कंगना और ऋतिक का अफेयर फिल्म क्रिश से शुरू हुआ था। कंगना के अनुसार ऋतिक ने उनसे वादा किया था कि वो अपनी वाइफ से तलाक लेकर उनसे शादी कर लेंगे। हालांकि एक्ट्रेस का दावा था कि ऋतिक ने उन्हें धोखे में रखा और बाद में नाता ही तोड़ लिया। आपको बता दें कि ब्रेकअप के बाद ऋतिक और कंगना का झगड़ा बेहद अटपटे ढंग से सार्वजनिक होते चला गया। कंगना अपने इस रिलेशन को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ लिखती और बोलती भी रही। कंगना ने तो यहाँ तक कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आज मुंबई में खुद का घर और ऑफिस तक बना लिया, जबकि मेरा एक्स आज किराए के घर में रहता है जिसका किराया भी उसके पिता चुकाते हैं। कंगना सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी थी, एक्ट्रेस के अनुसार उन्हें इंडस्ट्री में गोल्ड डिगर तक कहा गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक छोटे शहर से आई थी। कंगना ने ऋतिक के उन आरोपों पर भी तीखी प्रतिक्रिया जताई, जिसमें कहा कि एक्ट्रेस उनके पैसे के पीछे है। हालांकि कंगना की माने तो इन आरोपों के बाद उन्हें मुंबई में शानदार घर और ऑफिस बनाया था ताकि बता सके कि वो पैसों के पीछे नहीं थी। वैसे ये दोनों स्टार्स के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।